यहाँ पे लड़कियों को सीधा बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अगर आपको काम करना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सोना पड़ेगा बोले पवन सिंह का शूट है मैंने कहा मजाक कर रहे हो क्या सबूत मैं आपके सामने हूं। सामने हूं। मेरे पास भी कॉल आया फटाफट रेडी हो जाओ सेट पे आ जाओ पवन सिंह का शूट है ये, ये इंडस्ट्री इतनी गंदी है मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है लेकिन मैंने उस गाने को जान बुझ किया है सर्दी रहे चाहे जाड रहे सही यहाँ के हरदम खाड़ रहे और उसमें मैंने बहुत ही ज्यादा हॉट सीन दिया है जो की मैं पहली बार दी हूँ जो ऑफर देते हैं उसमें भी उन लोगों का कंडीशन होता है और इतना गंदा कंडीशन होता है की पहले इनके साथ फिर उनके साथ फिर उनके साथ है ऐसा काम मैं कभी नहीं करूँगी विवाह होकर बातें कर रही है आपको नहीं लगता की इसकी वजह से आपके काम में प्रभाव पड़ेगा की गंध करके ही हम आगे बढ़ेंगे माइंड मत करिएगा जितने भी दर्शक मेरे को देख रहे हैं मैंने जहाँ तक नोटिस किया है आप लोगों को गंध बहुत पसंद है इसका सबसे बड़ा रीजन है कॉम्प्रोमाइज क्योंकि

सवाल पूछिए आप मेरे से मैं क्या सबसे था? पहला सवाल ये आज राज खोल देते हैं आप जो ये ग्लासेस लगाती हैं <laughs> इसमें ग्लास तो है नहीं तो फिर आप लगाती क्यों हैं ये एक्चुअली मेरा लकी चश्मा है और मैं सीरियसली बताऊं जब से ये चश्मा मेरे पास आया तब से मेरा एक मतलब ये समझ लीजिए कि चमत्कार हो गया आप आपके करियर में चार चांद चाँद चार चांद लग गए हाँ, जब से ये चश्मा आप एक चीज आपको दिखाना चाहूंगी कैमरा अगर जूम कर सकते हैं ये टूट गया है इसको मैंने फेविक्विक से चिपका के इसको पहना हुआ है बहुत लोग बोलते हैं आप इसको उतारती क्यों नहीं मैं इसको नहीं उतार सकती ये लकी चश्मा है गुड लक है आपका मेरा गुड लक है मैम अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से है कौन कौन से स्टार के साथ आपके प्रोजेक्ट आने वाले हैं अभी फिलहाल मैं बताना चाहूंगी मेरा आज ही सॉन्ग रिलीज हुआ है पतली कमरिया मोरी आए हाय और चैनल का नाम है लाइव भोजपुरी ऑफिशियल बहुत ही प्यारा बहुत ही धासु मैं मैं अपने मुंह से तारीफ कर hmm. मुझे ही अच्छा लगा वो सॉन्ग hmm. तो आप लोग जरूर जाके देखिएगा और उसमें मैंने बहुत ही ज्यादा हॉट सीन दिया है जो कि मैं पहली बार दी हूँ hmm. उस तरह का हॉट सीन मैम इस टॉपिक पे तो और भी बहुत सारे गाने आए हैं बहुत लोगों ने गए यहाँ तक की सुपर स्टार रितेश पांडे ने भी गाया है hmm. तो ऐसी इसमें क्या खास बात है जैसा की आपने बताया कि आपने हॉटनेस वाला जो चीजें बोला वो चीजें कर रखी है और भी कुछ क्या यूनिक है जो ऑडियंस को देखनी चाहिए रितेश पांडे के गाने को छोड़ के इस गाने को इसमें अगर मैं अब कुछ एडिशनल या कुछ अलग की बात करूं तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है हमारे डायरेक्टर की हमारे राइटर और लिरिक्स आप आप लोग सुनेंगे बहुत मजा आने वाला है और इसमें सबसे स्पेशल चीज है इसमें डांस आप लोग देखेंगे टू बेट, बेट आपको डांस मिलेगा और बस एक बार देखिए आप लोग मैं कुछ नहीं बता सकती सॉन्ग के बारे में जजमेंट आप लोगों का होगा देखने के बाद मैम अपकमिंग प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे थे ये तो अभी आज आपका आया है अपकमिंग किस किस स्टार कास्ट के साथ आपका गाना आ रहा है अपकमिंग कल्लू जी के साथ आ रहा है पवन सिंह जी के साथ आ रहा है खेसारी जी के साथ आ रहा है और हमारे अभी टुन जी के साथ भी लेटेस्ट में रिलीज हुआ है ऑलमोस्ट hmm. सभी स्टारों के साथ बोल सकते हैं सबका नाम लूंगी मैम आपको आई थिंक सो दो साल हुए इस इंडस्ट्री में कितने साल डेढ़ साल मात्र डेढ़ साल के अंदर कुछ ऐसी भी एक्ट्रेस मॉडल हैं जो पांच पांच सात सात आठ आठ साल से स्ट्रगल कर रही हैं और मात्र जो नए कलाकार आते हैं उन्हीं के साथ उन्हें चांस मिलता है लेकिन आप कहा जाए तो भोजपुरी के पावर स्टार ट्रेंडिंग स्टार एक हिरान स्टार बने हुए हैं अरविंद कलाकलू के साथ मतलब सबके साथ और खासतौर में आपका मिराज के साथ भी जो कॉमेडी वगैरह बनाते हैं उनके साथ भी प्रोजेक्ट आया आपका बिल्कुल बिल्कुल अब लगन में जय जय और सच में जय जय ही हो गया है और मैं बताना चाहूँगी रील्स उसमें बना है कम से कम साढ़े तीन लाख साढ़े तीन लाख रील्स बने रील्स बने हैं आपकी लगन में जय जय बा रबजी म्यूजिक पे आप लोग देख सकते हैं जाके बहुत ही प्यारा सॉन्ग हुआ है मैम डेढ़ से दो साल के अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि एक नया कलाकार इंडस्ट्री में इंटर करता है और इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करता है और काम के साथ साथ ऐसा भी नहीं जाके सिर्फ खड़ा हो गया बेहतरीन एक्टिंग आपने की है और कहीं ना कहीं उस गाने के हिट होने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है तो किसे आप इसके लिए श्रेय देंगे वैसे श्रेय तो मैं जितने लोगों ने मुझे अभी तक काम दिया है चांस दिया है सबको श्रेय दूंगी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो श्रेय है वो मैं देना चाहूंगी हमारे जो गुरु है आ, अटल जी अटल नाम है उनका हुँ. जिनके पास मैं रेगुलर काम करती हूँ देखिए एक आर्टिस्ट को अभी जैसा कि आपने बोला कि इतने कम समय में कैसे अचीवमेंट किया हुँ. काम करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं आपको मतलब पब्लिक भी जानते हैं कितनी आर्टिस्ट आती हैं कितनी जाती हैं और कई लोग हथा खार के रुक जाते हैं क्योंकि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और पीछे से उनको संभालने के लिए ये इंडस्ट्री इतनी गंदी है सॉरी मैं माफी चाहूंगी मैं खुद इस इंडस्ट्री में हूं बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर, अगर अटल सर नहीं होते तो शायद मैं भी आज बैठ गई होती दो चार प्रोजेक्ट करने के बाद या फिर कहीं और लड़कियों मतलब और आर्टिस्टों की तरह जो कि डर के सहम के मतलब स्टॉप कर दिया होता गंदी मीन क्या है मैम गंदी का यहां क्या मतलब ऑडियंस हाँ, मैं मैं बिल्कुल मैं बताती इन द सेंस ये है मैं किसी का नाम नहीं लूंगी और नाम लूंगी तो फिर आ, सबका नाम आ जाएगा यहाँ पे लड़कियों को सीधा बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अगर आपको काम करना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सोना पड़ेगा ये चीजें आगे सोफर होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जब मेरे पास आ, मेरे गुरु हैं मुझको निखारने के लिए कहते हैं ना एक जोहरी, आ, मतलब हीरे की जो तलाश है मेरे को बोलना नहीं आ रहा आ, ये हीरे की तलाश एक जोहरी ही कर सकता है हुँ. और उसको निखारने का काम वही कर सकता है तो मुझे सर ने निखारा है हुँ. और मेरे ऊपर मेहनत किया मेरे को एक काम करवाना और लगातार का, काम करवाना उसमें बहुत फर्क होता है अगर सर नहीं होते तो शायद आज आ, मेरे को शायद मैं इंटरव्यू भी नहीं दे रही होती मैम वैसे मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप किसी का नाम बताएं लेकिन सिर्फ एक चीज ही जानना चाहता हूँ जो आपको ये ऑफर देते हैं कि काम के बदले ये भी जो भी है जो आपने बोला ये चीज करना पड़ेगा तो ये क्या वो स्टार ऑफर देता है जिस स्टार के साथ आपको काम करना है नहीं, या नहीं। फिर उनके चमचे देते हैं चमचे देते हैं और उनके चमचे भी जो ऑफर देते हैं उसमें भी उन लोगों का कंडीशन होता है और इतना गंदा कंडीशन होता है कि पहले इनके साथ फिर उनके साथ फिर उनके साथ है ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगी चाहे कितने भी बड़े स्टार हों मैं आपको बताना चाहूंगी पवन सिंह के साथ मैंने काम किया है मैं पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्टर या स्टार का नाम लेकर नहीं बोल रही हूं सडनली कॉल आया मेरे को कि जी शूट है आपका तो मैंने कॉल उठाया बोले पवन सिंह का शूट है मैंने कहा मजाक कर रहे हो क्या मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है इतने कम समय में तो मैंने पूछा क्योंकि मैं सखी का कैरेक्टर जल्दी नहीं करती हूँ हाँ ये मेरा शुरू से, से, से हाँ सेकंड लाइट नहीं करती हूँ लेकिन मेरे से ये बोला गया कि आपको उसमें लीड करना है मैंने कहा अच्छा बोले कि एक और हीरोइन है तो बताया रितु सिंह तो उसके बाद मेरे को यकीन हुआ कि हाँ चलिए शायद शूट है और मैं आपको बताऊं उनके साथ भी मैंने शूट किया जरूरी नहीं है गर्ल्स जितनी भी लड़की अगर मेरे को देख रही हैं कि गंद करके ही हम आगे बढ़ेंगे अगर आपके काम में दम है आपकी मेहनत में दम है तो एक दिन आपको खुद व खुद आपके पास काम आना तो क्या आपको पवन सिंह की तरफ से ऑफर हुआ तो क्या उन्होंने नहीं, नहीं, नहीं आती है बस इतना बोलते हैं पवन सिंह का शूट है मैम कारण क्या है कि भोजपुरी में जो इंटर करती है एल्बम इंडस्ट्री में लड़कियां उनमें से नाइनटी लड़कियां बड़े पर्दे तक नहीं पहुंच पाती एल्बम में तो आप सुपर हो बट आप फिल्मों में नहीं पाती इसका रीजन क्या है इसका सबसे बड़ा रीजन है कॉम्प्रोमाइज क्योंकि कोई भी अच्छे घर की भले घर की लड़की होगी वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज और खासकर अगर टैलेंट है उसके बावजूद उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो वो कभी आ, मतलब वो आगे ये स्टेप नहीं उठाएगी वो पीछे जाना ही पसंद करेगी आपको क्या लगता है कि जो और लड़कियां पहुंची हैं वो कॉम्प्रोमाइज करके वहां पहुंची है नहीं नहीं मैं ये नहीं कहूंगी की और लड़कियां कॉम्प्रोमाइज करके पहुंची है मेरे पास भी तो कॉल आया ना सबूत मैं आपके सामने सामने हूँ मेरे पास भी कॉल आया मेरा मेहनत रंग लाया उसी तरीके से जिन जिनका मेहनत रंग लाया वो आगे गई है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई लड़की कॉम्प्रोमाइज करके गई है ये गलत चीज़ है कोई लड़की या कोई आर्टिस्ट कॉम्प्रोमाइज करके नहीं गई बट ये चीज फेस करना पड़ता है आर्टिस्टों को जी लेकिन वो सुपर स्टार नहीं बोलते उनके जो चमचे मैनेजर हाँ, वगैरह जो वो सब होंगे वो 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 बोलते वही वो वो बोलते हैं वो बोलते होंगे कि सुपरस्टार तो मुश्किल ऐसी चीजें कहे कोई नहीं और आज तक किसी ने नहीं भोजपुर इंडस्ट्री में अक्सर जो सुपरस्टार होते हैं उनके नाम जोड़े जाते हैं जैसे कि काजल रघवाणी का नाम जोड़ा गया था खेसाइला यादव के साथ में अक्षरा का जोड़ा गया था पवन सिंह के साथ में आम्रपाली का जोड़ा जाता है दिनेश लाल दिनेशला के साथ में अक्सर यह माना जाता है कि जब तक आप किसी के साथ अफेयर नहीं करेंगी आपको नाम बदनाम नहीं होगा मतलब काम आपको नहीं मिलेगा तो क्या आप इसको सही मानती है किस हद तक सही है एक टाइम पे था कि अक्षरा पवन अक्षरा पवन अक्षरा पवन आम्रपाली वो मतलब की एक जोड़ी थी अभी फिलहाल में

पेयर या फिर हम रिलेशन बनाते हैं आपस में कहने का मेरा मतलब ठीक हाँ, है गया मैं। यहाँ पे दर्शक क्या पसंद करती है पब्लिक क्या पसंद कर रही है अब एग्जाम्पल के तौर पर मेरा गाना मनी जी के साथ लेटेस्ट में जो भी हाँ जो भी गाने आए हैं मनी मिराज जी के साथ पब्लिक बहुत पसंद कर रही है तो ऑब्वियसली पब्लिक को पसंद है तो हमको काम करना पड़ेगा लेकिन मैम तो आप आप शूट करने जाती है ना जब गढ़ो में तो वहाँ खाने का ऑप्शन कम होता है मैम एक आध दुकानें होती है रात को खाना आया तो गंदा होता है तो भी खाना पड़ता है तो जब ऑडियंस के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा आप वही हीरोइन के साथ फिल्म बनाएंगे वही हीरोइन के साथ फिल्म बनाएंगे तो क्या ऑडियंस आपको मारने जा आएगी वो तो चुपचाप देखेगी बेचारी आ, दिल्कुल, दिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं ऑडियंस को दोष देना सही है या फिर उन स्टार को दोष देना सही है जो डायरेक्टर को बोलते हैं भैया प्रोड्यूसर बोलते हैं कि ये हीरोइन रहेगी तभी मैं काम करूंगा ये गलत है चांस सबको मिलना चाहिए सभी आर्टिस्ट को चांस मिलना चाहिए और रही बात पेयर की तो देखिए जहाँ जरूरत है जहाँ डिमांड है काम के हिसाब से कि यहाँ पे ये चीज होना चाहिए इसमें ये फिट बैठेगी उस हिसाब से काम करवाया जाए और मौका सबको दिया जाए सब सभी हाँ, आर्टिस्टों को चांस मिलना चाहिए ये नहीं की पेयर है तो खाली वनु अगर वनु और मनी मिराज का पेयर बन चुका है तो खाली वही अकेले काम करे ऐसा सबके साथ सबके साथ काम सब होना चाहिए और सबको काम मिलना चाहिए मैम आपको डर नहीं लगता आप इतना विवाह होकर बातें कर रही है आपको नहीं लगता की इसकी वजह से आपके काम में प्रभाव पड़ेगा इन फ्यूचर आपको काम नहीं मिलेगा क्यों प्रभाव पड़ेगा मैंने कौन सा गलत बात बोला है इसमें सारे आर्टिस्टों को मौका मिलना चाहिए चाहे वो खासकर क्या होता है आजकल नहीं मैं... जो आपने बात बोली कि कंप्रोवाइज के लिए कॉल्स आते हैं ऐसा नहीं लगता कि इसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में आपकी छवि खराब होगी क्यों खराब होगी मैंने इसमें क्या गलत बोला है और और अच्छी बात है ना कोई भी गलत सोच के मेरे पास कॉल ही नहीं करेगा पहली बात तो ये है वो समझ जाएंगे कि भैया ये इससे थोड़ा बच के रहो बिल्कुल बिल्कुल मैं इस मामले में तो बोलूं कि हाँ मैं शेरनी हूँ मेरे को गलत तरीके से अगर आगे बढ़ना होता तो शायद मैं आगे नहीं बहुत पीछे चली गई होती सच्चाई ये है सच्चाई ये है कॉम्प्रोमाइज से काम नहीं होता है काम आपके मेहनत से होता है अच्छा मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ ठीक है मैं कॉम्प्रोमाइज करके आगे चली गई मेरे अंदर अगर गुण नहीं होगा तो कब तक पब्लिक मेरे को देखेगी या कब तक मुझे काम मिलेगा सर जी नहीं मिल पाएगा बिल्कुल नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपको ब्रेक तो मिल सकता है लेकिन लॉन्ग टाइम फ्यूचर में काम तो फिर पब्लिक की वजह से मिलेगा बिल्कुल 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 क्योंकि जनता का प्यार जहाँ मिलेगा मैम जो स्ट्रगलर लड़िया आती है उनके लिए तो आप एक बहुत बड़ा उदाहरण बनी है और बहुत अच्छी चीजें आप बता रही है जो समझदार फीमेल एक्ट्रेस होंगी वो समझ जाएंगी अभी अभी हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिनके पैसे भी ले लेते हैं कुछ मॉडलों से इनके साथ काम दूंगा आपको कुछ के साथ की बात होती है तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं लेकिन इसमें क्या होते हैं कि लड़कियां खुल के सामने आ नहीं पाती आप जैसी इतना उनके अंदर हिम्मत नहीं होती तो उनको आप क्या मैसेज देंगे मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपके अंदर मतलब हुनर है और लगन है अपने काम के प्रति तो आप लोग अपना मेहनत करते रहिए आज नहीं तो कल आपको मंजिल जरूर मिलेगी मंजिल जरूर मिलेगी जरूर मिलेगी, मिलेगी। बट गलत करके अगर आगे बढ़ते हैं या आपको ऐसा लगता है कि गलत करके आगे बढ़ जाएंगे ये सोच अपने दिमाग से मत, निकाल दीजिए अगर आपके अंदर गुण नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि एक बार काम कर लेंगे दो बार काम कर लेंगे उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा कोई आपको ध्यान देने वाला नहीं है नहीं होगा मैम बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही बेबाक तरीके से आप बात करती हैं इसके लिए शुक्रिया क्योंकि आपकी बात से ना जाने कहीं ना कहीं जो लड़कियां फंसने वाली हैं या फिर गलत डिसीजन फैसला लेने वाली हैं आपको देख के वो हो सकता है अपनी लाइफ बर्बाद ना करें और वो सही रास्ते पे आ जाए टैलेंट पे अपने ध्यान दे जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगी जाते जाते आ, मैं एक बहुत ही मतलब वो, ये टॉपिक छोटा समझ लो या बड़ा समझ लो लेकिन ये बहुत ही आ, सीरियस टॉपिक मैं बोलने जा रही हूं जनता से कि आप लोगों आप लोगों को क्या पसंद है मतलब किस तरह का परफॉर्मेंस पसंद है माइंड मत करिएगा जितने भी दर्शक मेरे को देख रहे हैं मैंने जहां तक नोटिस किया है आप लोगों को गंद बहुत पसंद है गंदगी बहुत पसंद है अच्छी चीज पसंद नहीं है मैं आज तक का मेरा रिकॉर्ड है मैंने एक गाना किया है मैं बता देती हूँ मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है लेकिन मैंने उस गाने को जानबूझकर किया है और उस गाने पर इतने लंबे लंबे लिस्ट बन के आ रहे चिट्ठे बन के आ रहे हैं जी जी आपने ऐसा काम किया वनु जी आप ऐसा गाना करने लग गई हो सही हरदम खाड़ रहे सर्दी रहे चाहे जाड़ रहे सही हरदम खाड़ रहे ये गाना मैंने किया है और मैं बोल रही हूँ जान के किया है क्योंकि आप लोगों को ना गंदगी पसंद है आप लोग अच्छे गानों पे तो कभी आप लोगों ने मेरे से सवाल नहीं किया आपने कभी इतना लंबा चौड़ा कमेंट नहीं किया और अगर आप लोगों की इच्छा है कि एक अच्छी आर्टिस्ट मेहनत करके आगे बढ़े या अच्छे तरीके से आगे बढ़े तो आप लोगों से यही विनती है कि जो अच्छे गाने करते हैं हम लोग उस पर भी आप लोग कमेंट करिए करें, सपोर्ट करिए करें। सपोर्ट करें। सपोर्ट करें। और अगर आप लोग को यही पसंद है तो दायरे में रहकर ये भी करना आता है मतलब सारे सामान है दुकान हमारे पास है जो आप खरीदेंगे बिकेगा बिल्कुल, बिल्कुल 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 चलिए बहुत बड़ी बात बोली है और मुश्किल है कि कोई मेल होता तो बोल भी सकता था एक आर्टिस्ट फीमेल होके इतनी बड़ी बात बोली है अब आप ही जनता जनार्दन है आप ही फैसला कीजिए वैसे मैं इनकी बातों से सहमत हूँ अगर आप जो चाहेंगे वो हिसाब से आर्टिस्ट काम करेगी करेगी बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका आपने टाइम दिया तहदी शुक्रिया थैंक यू मैम थैंक यू सो मच थैंक यू